चिराग पासवान ने ऐसा अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। अगर एनडीए के चेहरे के रूप में 2025 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, क्या लगता है आपको? ठीक है कि उनकी जाति के लोग और जो अनुसूचित जाति की अन्य जातियां हैं वो उनमें भावी मुख्यमंत्री देखती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो सवर्णों की का समर्थन है इनके साथ, वो मजबूरी का समर्थन है, वो इच्छा का समर्थन नहीं है। क्यों हम मोदी उसी व्यक्ति को प्रमोट करेंगे, मदद करेंगे जो जो तेजस्वी को हराने में सक्षम होगा? इतना आसान होगा चिराग के लिए कि वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पछाड़ के मुख्य चेहरा बन जाएंगे? देखिए, बिहार से सबसे चमकते हुए चेहरे के रूप में चिराग पासवान शपथ ग्रहण करते हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में, लेकिन अगले ही दिन एक इंटरव्यू में चिराग पासवान कहते हैं कि वो बिहार लौटना चाहते हैं। चिराग पासवान के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कहने वाले चिराग पासवान आखिर बीजेपी से क्या चाहते हैं, और क्या बीजेपी उनकी इन बातों को समझ रही है? देखिए, इस वक्त प्रदीप सर, राजनीति के विश्लेषक, हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। इनका पहले स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सर, लगातार आप देख रहे हैं चिराग पासवान जिस तरह से राजनीति में उभर रहे हैं। अब देखिए, शपथ ग्रहण कई मंत्रियों का हुआ, लेकिन चर्चा में चिराग रहे बिहार में। 5 सीटें लोकसभा की जीती उन्होंने, लेकिन क्या है ये संदर्भ, क्या है निकालेंगे आप? मतलब चिराग के दिल में क्या है? बिहार की, बिहार में काम करना चाहते हैं, किस रूप में वो बीजेपी को संदेश देना चाह रहे हैं, क्या है? देखिए, चिराग पासवान ने कल जो राहुल कंवल को इंटरव्यू दिया है आज तक को, उसमें जब राहुल कंवल ने पूछा कि क्या आप केंद्र में मंत्री के रूप में संतुष्ट हैं या फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक है, तो चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा कि मैं बिहार में काम करने के लिए उत्सुक हूँ। अच्छा, हाँ, इच्छुक हूँ मैं बिहार में काम करने के लिए। तो स्पष्ट इशारा है कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यही सवाल जब रामविलास पासवान से पूछा जाता था तो रामविलास जी कहते थे कि नहीं, मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा। मैं केंद्र में मंत्री बनना चाहता हूँ। लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। अगर चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखें तो युवाओं में काफी लोकप्रिय भी हैं, और देखिए चुनावी परिणाम भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जितने सीटें उनको दी गई उनको अच्छा खासा वोट भी मिला। लेकिन क्या एनडीए के चेहरे के रूप में 2025 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है अर्पिता कि कोई भी दल, जब आप, चूंकि बात आपने एनडीए की है, तो कोई भी दल या कोई भी गठबंधन किसी व्यक्ति को चेहरा तब तक नहीं बना सकता जब तक कि वो व्यक्ति खुद को उस रूप में पेश नहीं करे, प्रस्तुत नहीं करे। चिराग ने पेश कर दिया, लेकिन नहीं, कहने से नहीं होगा ना। जैसे आप याद कीजिए, नीतीश कुमार को जब एनडीए ने अपना नेता स्वीकार किया बिहार में, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी समता पार्टी की तुलना में, या बाद में जदयू जब बनी तो, लेकिन नीतीश कुमार छोटी पार्टी के नेता होते हुए भी बीजेपी की तुलना में जब 2000 में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, ठीक है, तो बीजेपी ने प्रमोट किया उनको, मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार कुमार ने अपनी स्वीकार्यता, ठीक है, जनता के बीच साबित कर दी थी, ठीक है। तो अब चिराग पासवान को ही भी अपनी स्वीकार्यता बिहार की जनता के बीच साबित करना होगा, अपनी सक्रियता से, अपनी योजना से, अपने सांगठनिक क्षमता से भी। क्योंकि आज अगर मैं चिराग पासवान की बात करूं, चिराग पासवान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ एक ही है, ठीक है, कि उनकी जाति के लोग और जो अनुसूचित जाति की अन्य जातियां हैं वो उनमें भावी मुख्यमंत्री देखती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है, कि अनुसूचित जाति के बीच चिराग पासवान सबसे लोकप्रिय चेहरा है, एक। दूसरा, जो लालू विरोधी वोट बैंक है बिहार का, मैं खुल के बोल रहा हूं, वो सवर्ण जाति, सवर्ण जातियां जो नीतीश कुमार को आज तक मुख्यमंत्री बांधती रही है, ठीक है, वो लालू प्रसाद या लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करना चाहती, वैसे लोगों का समर्थन चिराग पासवान को मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, दो दो सीढ़ियां पार कर ली चिराग पासवान ने। लेकिन लेकिन जो सवर्णों की का समर्थन है इनके साथ, वो मजबूरी का समर्थन है, वो इच्छा का समर्थन नहीं है। क्यों है मजबूरी का समर्थन? क्योंकि सवर्ण मतदाताओं को जिस किसी भी व्यक्ति पे भरोसा होगा कि वो तेजस्वी यादव का मुकाबला करने में सक्षम है, उसको वोट देगा। तो क्या चिराग अभी तेजस्वी के मुकाबले तैयार नहीं है, क्या लगता है? नहीं, कमी है। जैसे आरजेडी का देखिए, तो आरजेडी का बिहार के 242 विधानसभा सीट पर आरजेडी का अपना संगठन है, हर जगह आरजेडी के नेता उपलब्ध है,
ठीक है, मतलब एक संगठन में पिरोए हुए हैं उनके लोग, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है उसके पास माई का। तो तेजस्वी के लिए तो लालू यादव ने पहले से जमीन तैयार कर रखी है ना, वही बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन चिराग पासवान के लिए वो जमीन तैयार नहीं है ना। मोदी का हाथ तो है सर पे ना, मोदी का हाथ है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मोदी की मजबूरी होगी कि मोदी उसी व्यक्ति को प्रमोट करेंगे, मदद करेंगे जो जो तेजस्वी को हराने में सक्षम होगा। अच्छा। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर देखेंगे तो चिराग पासवान को कुछ काम करने की जरूरत है। अगर इसमें एक सवाल लूं मैं आपसे, जितना एग्रेसिव अगर हम तेजस्वी यादव को देखते हैं बिहार में उनके भाषणों में, या जब वो जनसभाएं करते हैं आम लोगों के बीच में जाते और अपने सामने वाले विरोधी के बारे में जिस तरह से वो बात करते, चिराग पासवान कितने कारगर साबित होंगे आने वाले वक्त में? क्या वो तेजस्वी के बराबर है, अभी कम है, ज्यादा है, क्या लगता है आपको? वो एक नेता के रूप में तेजस्वी को क्या वो टक्कर दे पा रहे हैं अभी? आपने देखा कि तेजस्वी की लोकप्रियता बिहार में सबसे अधिक है। इवन मैं स्वीकार 100% बताऊं आपको कि नीतीश कुमार की तुलना में बिहार में जितने भी नेता हैं सबसे अधिक लोकप्रिय तेजस्वी यादव है, लेकिन क्या सीट जीत पाए? मतलब लोकप्रिय होने से सीटें जरूरी नहीं कि जीत ले लेता। केवल लोकप्रियता चुनाव जीतने का आधार नहीं है, जब तक आपकी लोकप्रियता को आप सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रैली में देखेंगे आपकी 5-5, 2-2 लाख की भीड़ आती है, लेकिन उस संसदीय सीट से तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव हार जाती है, तो साबित क्या हुआ? पर पूर्णिया में जब तेजस्वी रैली कर रहे थे तो 50,000 की भीड़ थी, लेकिन उनके कैंडिडेट और 50,000 वाली रैली तेजस्वी यादव ने कई किया, लेकिन उनके कैंडिडेट को वोट कितना मिला? सीवान में जब तेजस्वी यादव ने रैली किया तो उनको उनकी रैली में लाखों लोग थे, लेकिन वोट कितना मिला? कई सीट ऐसी है जहां पर कि तेजस्वी की रैली में लाखों लोग जुटे, सबसे अधिक लोग जुटे बिहार में, लेकिन सीट नहीं मिला ना। साबित क्या होता है उससे? साबित ये होता है कि सीट जीतने के लिए केवल लोकप्रियता नहीं बल्कि उस लोकप्रियता को सीट में कन्वर्ट करने की क्षमता। तो कन्वर्ट कैसे होगा? जब तक आपका संगठन नहीं होगा, आपके हर जिला में हर विधानसभा सीट पर आपके लोग नहीं होंगे जो आपके संगठन से जुड़े हुए हों, आप बल्कि आपके प्रत्याशी के रूप में लगातार वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से काम करते हों, तब तक वो आपका उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाए। सर, दो रास्ते हो सकते हैं, या तो चिराग पासवान अगर संगठन खड़ा करने में तो एक वक्त लगता है, देखिए अपने पिता की जो विरासत थी कहीं ना कहीं वो चाचा भतीजे में बट गई, तो उसमें भी आप देखेंगे कि काफी धक्का लगा चिराग पासवान को, लेकिन अगर फिर से वो उसी मजबूती के साथ संगठन को खड़ा करना चाहेंगे तो ये 25 का सपना फिर समझिए नहीं पूरा होगा। लेकिन अगर बीजेपी के साथ अगर साथ में जाए और बीजेपी पूरा भरोसा दिखा दे, आपको लगता है कि इतना आसान होगा चिराग के लिए कि वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पछाड़ के मुख्य चेहरा बन जाएंगे? देखिए, एक चीज तो है ना कि नरेंद्र मोदी का हनुमान है वो, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद भी है। नरेंद्र मोदी ने कई हाजीपुर की रैली में कहा कि चिराग मेरा बेटा है, इसीलिए मैं इसे तुम कह के बुलाता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है इसमें स्पष्ट है, जिस प्रकार का लार प्यार दुलार प्रधानमंत्री दिखाते हैं तेजस्वी यादव के, सॉरी चिराग पासवान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री उन्हें बढ़ते हुए दिखना चाहते हैं, नंबर वन आशीर्वाद है प्रधानमंत्री का। लेकिन मैंने ये बताया कि अगर मान लीजिए चिराग पासवान ये साबित करने में सक्षम नहीं है होंगे कि वो चुनाव भी जितवा के ला सकते हैं, तब तक बीजेपी कैसे स्वीकार करे? बिहार में बीजेपी के कौन से ऐसे नेता हैं जो चुनाव जितवा सकते हैं? देखिए, बीजेपी को बात, बीजेपी तो चुनाव कहीं भी लोकसभा हो विधानसभा हो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी में नीतीश कुमार का फैक्टर ऐड होता है तो बीजेपी जीतती है। नीतीश कुमार का फैक्टर ऐड नहीं होता है, चिराग पासवान का फैक्टर ऐड नहीं होता है, तो बीजेपी भी चुनाव कहां जीत पाती है, नंबर वन। नंबर टू, इसीलिए चिराग पासवान को भी बीजेपी के समर्थन के बावजूद नीतीश कुमार भी समर्थन कर देंगे तब भी चिराग पासवान को हर जिला में हर विधानसभा सीट पर अपने लोग खड़े करने पड़ेंगे। और कम से कम आज चिराग पासवान गठबंधन अगर होता है तो कितने सीट मिलेंगे? 40 में कितने जीत कर आएंगे? 20-25। तो चिराग पासवान को पहले यह साबित करना होगा, नहीं हम 40-30-40 की पार्टी नहीं बल्कि कम से कम 70-80-100 की पार्टी है, तब ना। आज वैसे लोग नहीं है उनके साथ। आज देखिए नीतीश कुमार के साथ क्या है कि 1995 से कई नाम ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के साथ उस समय से, ललन सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव, ठीक है, ऐसे कई नाम हैं जो नीतीश कुमार के साथ लगातार हैं उनके साथ,
छोटी पार्टी होके या कम विधायक होके भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसीलिए क्योंकि एक लंबा अनुभव है राजनीति में। वशिष्ठ नारायण सिंह है, कई नाम ऐसा है जो नीतीश कुमार के साथ लगातार है। मुजफ्फरपुर के दिनेश सिंह है जिनकी पत्नी बीना देवी जो है अभी चुनाव जीती है, ठीक है। तो कई नाम ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार को एक तरह से इंटेलेक्चुअल सपोर्ट से लेकर सांगठनिक समर्थन मदद वो नीतीश कुमार को अपने सहयोगियों से मिला करता है। चिराग को ऐसे लोग की जरूरत है। हाँ, ऐसे 10-20 चेहरे और चेहरे के साथ व्यक्तित्व की जो व्यक्तियों की जरूरत है चिराग पासवान को, जो चिराग पासवान को जनता से जमीन से जोड़ सके। जब तक जनता और जमीन से नहीं जुड़ेंगे वो केवल कहने के लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नहीं, बल्कि बिहार की मिट्टी से जुड़ना होगा चिराग पासवान को। चिराग पासवान को मिट्टी सर में लगाना होगा, ठीक है, कुर्ता को गंदा करना होगा, तब चिराग पासवान तेजस्वी यादव का मुकाबला कर पाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो चिराग पासवान जिस तरह से बातें रख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके दिल में तो है कि वो बिहार में एक बड़े पद पर यानी मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हों, लेकिन इस सफर तक इस मंजिल को पाने के लिए जो सफर है वो उनको बहुत बेहतरीन तरीके से करना होगा। और जिस तरह से सर ने समझाया है कि उनको थोड़ा जमीन पर और काम करना पड़ेगा। चलिए चर्चा में फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।